हम इस रास्ते से जाएंगे। फ्रेंड्स, ये रास्ता वैसे थोड़ा सा डेंजर रास्ते की तरह होता है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा तो लोग नहीं चाहते कि अगर आपके पास कोई कार या बाइक हो या कोई भी गाड़ी हो, अगर वो ख़राब हो जाती है तो आपको जहाँ से दूर दूर तक कोई आपको शॉप वगैरह मिलने वाली नहीं, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जीटी रोड से चले जाते हैं। लेकिन मुझे आपको यहाँ के मनाजिर वगैरह जो बहुत खूबसूरत है वो बताने हैं, तो इसलिए मैंने ये रास्ता सेलेक्ट किया है। तो हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। और तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इसलिए मैं इसको पार्ट्स में शेयर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कम से कम पार्ट्स बने और आप लोग देखते रहें। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको रास्ता कंफर्म मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा सेम है। पहाड़ों को तोड़कर यहाँ से सारा रास्ता बनाया गया। आप देख सकते हैं दूर दूर तक सिर्फ आपको यहाँ पहाड़ होंगे, माउंटेन वगैरह, और रास्ते यहाँ के बहुत ज़्यादा सेम है। कोई लोग आते हैं वो यहाँ से अगर चले जाएँ तो मुश्किल होती है, रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है। फिर मोटर वे से वो रास्ता होता है और मोटर वे पर आपको कार वगैरह के रास्ता नहीं मिलेगा, फिर बाइक वगैरह पे ही होगा। फ्रेंड्स, अभी हमें वहाँ ऊपर जाना है और वहाँ जाने के लिए नीचे से रास्ता है, तो हम अभी ऊपर जाएंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये पानी यहाँ से गुजर कर ये सामने जो खेत वगैरह हैं ये इनको बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो इसलिए इस पानी का निज़ाम इस तरह बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, आप ये देखें, अगर इनको उस तरफ की खेत को पानी देना होगा तो ये वाला हॉल खोल देंगे, और अगर इस तरफ की खेत को देना होगा तो देखिए इन्होंने हॉल